यार अभी के टाइम पे अगर आपको एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेजों में देन आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस है GFTI कॉलेजेस जो कि जोसा में पार्टिसिपेट किए थे CSAB में और अब उनमें मिलेगा आपको डायरेक्ट एडमिशन। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है, पर कैसे आखिरकार GFTI कॉलेजों में आप डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हो जिसके अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, बिहार, झारखंड और उसके बाद में जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्री माता वैष्णो देवी कटरा एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, लॉट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल है यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात एंड मेनी मेनी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड GFTI कॉलेजेस आर आल्सो अवेलेबल। बहुत सारे यार ऐसे बच्चे होंगे जिनको जोसा में कुछ नहीं मिला, CSAB में कुछ नहीं मिला, अभी बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद के अंदर कि भैया एक कॉलेज मिलेगा, कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी, हम पढ़ेंगे, जाएंगे कॉलेज में जाएंगे, पर कैसे, इसके लिए क्या सॉल्यूशंस है। यार शुरू से शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कुछ कॉलेजेस के बारे में, स्टेट वाइज कॉलेजेस डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं वीडियो के एंड में हम इसके बारे में भी बात करते हैं आप हमारी पेड काउंसलिंग में कैसे एनरोल कर सकते हो जिसके अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं एंड आपके लिए 100% अलॉटमेंट बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में हम आपके लिए लेकर आते हैं और हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे क्या प्रोसेस है, कितना काउंसलिंग चार्ज लगता है एंड आखिरकार हम आपको कैसे कम मार्क्स पे लो रैंक पे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करा देते हैं और आपकी 4 साल की पूरी लाइफ सेटल हो जाती है। सर स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो पहले पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब अगर आप लोग देखोगे तो स्पोर्ट राउंड होते हैं, स्पेशली अगर हम NIT एंड GFTI कॉलेजों की बात की जाए तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। ये भी यार स्पोर्ट राउंड कंडक्ट कराता है CSAB राउंड के बाद में। अभी तो वैसे ऑलमोस्ट GFTI एंड NIT की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर बात करें यार और अदर कॉलेजेस की तो आपने संत लोंगवाल इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा जो कि लुधियाना के पास में ऑलमोस्ट संगरूर के पास में पड़ता है, वहाँ पे भी आपका जो स्पोर्ट राउंड ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला। इसके बाद में आपको IIT गुजरात, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो पंजाब के ऑलमोस्ट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस माना जाता है उसको बेस्ट कॉलेज, उससे ऑलमोस्ट पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेज अफिलेटेड है, यानी जेल सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया आपका, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, खालसा कॉलेज हो गया, ये कुछ अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है आप उनको टारगेट कर सकते हो। उधर यार हिमाचल की साइड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है, वैसे प्राइवेट कॉलेज इस एरिया के अंदर काफी ज्यादा है। जम्मू की तरफ आप अगर जाओगे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, ऐसे 10 से 11 कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्टली एडमिशन दे रहे होते हैं स्पेशली इन द बीटेक ब्रांचेस एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एंड जम्मू के अंदर SFS यानी कि सेल्फ फाइनेंस सीट्स आर आल्सो अवेलेबल जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा पैसे देके फीस देके डोनेशन देके कॉलेज से एडमिशन ले सकते हो लीगली। राजस्थान की तरफ यार अगर हम आगे बढ़े तो GFTI कॉलेजेस में राजस्थान के अंदर आ जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो कि काफी लो मार्क्स पे आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज अलॉटमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद में चाहे आप बीटेक करना चाहते हो इसके लिए JEE चाहिए एंड अदर कोर्सेज के लिए CUET लेता है। उसके बाद में भी और बहुत सारी कॉलेज है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज MBM जोधपुर, RTU कोटा, CTU उदयपुर, BTU बीकानेर, अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज भी बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं लेकिन राजस्थान में स्पोर्ट राउंड ऑलमोस्ट अभी डायरेक्टली एडमिशन JEE के बेसिस पे आप लोग ले सकते हो। यार इधर अगर हम यूपी की तरफ बढ़े तो यूपी में भी आपको बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलते हैं जैसा कि आपने ATU का नाम सुना होगा। हाँ जी ATU एक बहुत बड़ा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, उससे रिलेटेड कॉलेजेस आपको काफी सारे देखने को मिलते हैं जिसके अंदर IIT लखनऊ, MMUT गोरखपुर एंड लॉट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप काफी लो मार्क्स पे CSE, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे ब्रांचेस आप कर सकते हो। आज के थोड़ा रिकमेंडेशन जान लेते हैं। वैसे आपने देखा होगा सैटेलाइट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, हाँ लोग चांद पर जा रहे हैं, मार्स पर जा रहे हैं, इसरो, नासा, इलोन मस्क, स्पेस एक्स एंड ये इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है। अब आप इसमें अपना करियर कैसे बना सकते हो स्पेशली अगर यार आज के टाइम पे देखा जाए तो एविएशन एक बहुत बड़ा सेक्टर है स्पेशली एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल, लेकिन दुख की बात यह है कि सिर्फ 5 IIT
दो GFKI कॉलेजेस ही एरोस्पेस एरोनॉटिकल प्रोवाइड करती है, पर आप अब क्या कर सकते हो। वेल यार, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए 2018 के अंदर एक कैंपस स्टार्ट किया गया था PSAEC के नाम से पटियाला पंजाब में। वैसे काफी नया कैंपस है, 2018 में ओपन हुआ था, अभी दो बैचेस चले गए हैं, फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है। PSAEC.in नाम की इनकी वेबसाइट है, PSAEC.in, आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो, आप इनसे बात भी कर सकते हो, आपको अगर अच्छा लगता है ये ना आप यहाँ पे एडमिशन भी ले सकते हो, ये हमारा एक रिकमेंडेशन है। सो यार, आपने AKTU को तो आपने माप के बारे में बता दिया है, उसके बाद में एक HBTU भी काफी अच्छा ऑप्शन है यूपी के अंदर। HBTU का स्पोर्ट राउंड ऑलमोस्ट एंड पे चल रहा है अभी, आप लोग उसके बारे में डिटेल चेक कर सकते हो। उसके बाद में यार कुछ GFKI कॉलेजेस आते हैं जो कि CSAB में पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे तो CSAB के जितने GFKI थे, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थे, ऑलमोस्ट सारे के सारे अपने स्पोर्ट राउंड कंडक्ट करा रहे होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे IIITs के अंदर भी अपनी सीटें वैकेंट रहती है, तो वो इंडिविजुअली अपनी सीट फिल कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू। यूपी में कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों की अगर बात की जाए तो जैसा कि आपने देखा होगा, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी में फिरोज गांधी रायबरेली के अंदर हो गया, कुछ AKTU के अंदर मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस आ जाते हैं, तो आप उनको जो है टारगेट कर सकते हो। वेल यार, हम आपके कॉलेज जानकारी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यार, आपने मार्केट के अंदर बहुत सारे फ्रॉड देखे होंगे, स्कैम तो नहीं बोल सकते उनको, ठीक है, आपसे बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं, आप हमारा वन टाइम कॉल सपोर्ट बुक कर लो, हमारा फुल सपोर्ट ले लो जिसमें आप हम आपको अनलिमिटेड कॉल देंगे, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। आपके जो लल्लू लाल काउंसलर है उनको खुद को डिटेल पता नहीं होती कि भैया क्या सारा सीन है, किसमें कितनी सीटें हैं, उनको मतलब रहता है तो यूट्यूब के वीडियो से गूगल से डिटेल उठाई और आपको बताया। और लो दोस्तों, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और मैं आपको अच्छे कॉलेज बता देता हूँ, उनको ब्रांचेज का कोई नॉलेज नहीं है, इंडस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं है, ब्रांड वैल्यू कैसे बनती है इसका कोई नॉलेज नहीं है, और आपको मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ धोखा। आप भैया इतने सारे पैसे दे दिए इसको और सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं। आपका टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाता है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, और आपको प्रेफरेंस लिस्ट दे दी जाती है, भैया तुम्हारा काम खत्म हो गया, ये ले मेरे 300 रुपए आगे मेरे पास। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर होंगे, ठीक है यार। आपके पेरेंट्स के बहुत सारे सवाल होते हैं, घर वालों के काफी सारे सवाल होते हैं, एक बच्चे को पाल पोस के इतना बड़ा किया है, उसको अलग स्टेट में भेज रहे होते हैं, किसी दूसरे राज्य में भेज रहे होते हैं, घर वालों के बहुत सारे सवाल रहते हैं, हमारे पास मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स के काफी सारे सवाल रहते हैं। मम्मा का एक बहुत बड़ा सवाल आता है, भैया आपके हॉस्टल कैसा है, खाना कैसा बनता है, यहाँ पे अच्छे लोग है कि नहीं है, रेकिंग वगैरह तो नहीं होती है, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स के सवाल रहते हैं रिगार्डिंग द फीस, लोन कितना ले सकते हैं, क्या सारा प्रोसेस रहता है, लोन हमें कैसे मिलेगा, या फिर हमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, लो रैंक है, कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, क्या कर सकते हैं। वेल यार, इसी के लिए हमारा पेड काउंसलिंग प्लान चलता है, वैसे हमारा हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इसके ऊपर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करते हैं, भैया तुम्हारा यूपी में इस ब्रांच में हो रहा है, इस कॉलेज में हो जाएगा, राजस्थान में यहाँ हो जाएगा, पंजाब में यहाँ हो जाएगा, गुजरात में यहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में यहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में यहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में यहाँ हो जाएगा। हम आपको कॉलेजेस के बारे में डिटेल में बताते हैं, आपका इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल सकता है, अगर आपको अच्छा लगता है देन हमारी आप पेड काउंसलिंग की तरफ जा सकते हो, जिसके अंदर आपको बेसिकली कुछ नहीं करना रहता, आपको बस अपने डॉक्यूमेंट देने और आपके लिए सारा का सारा प्रोसेस जो कंप्लीट है वो हम करके देते हैं। एक हमारा दूसरा प्लान चलता है जिसके अंदर हम आपके लिए पूरी की पूरी रोड बना देते हैं, बस आपको पूरा फुल स्टॉक बस कार आपको सब कुछ दिख रही होती है, बस रोड पे आपको चलना रहता है। बेसिकली हमारे प्राइसिंग ओनली फॉर 1999 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, एंड उसके अंदर हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, बस काम आपका इतना सा रहता है, आपको चलना रहता है सड़क पे, बताते हैं हम जाते हैं आपको यहाँ पे रुकना है, यहाँ से आगे बढ़ना है, यहाँ से बस पकड़नी है। दूसरा ये प्लान है कि हम रोड भी हमें बनाते हैं, रोड पे चलते भी हमें, एंड आपके लिए अलॉटमेंट, आपका प्रोसेस, आपका डॉक्यूमेंट, आपकी काउंसलिंग सब कुछ हम ही कम्प्लीट करके देते हैं। इसके लिए हम आपके लिए नॉर्मल काउंसलिंग चार्ज करते हैं 9999 रुपए, जिसके अंदर आपको लोन सपोर्ट बैंक से जो है हम आपको लोन सैंक्शन कराते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करवाना, स्कॉलरशिप ऑप्शंस हो गया, एंड ऑलमोस्ट आपको मतलब कॉलेज में सक्सेसफुली डाल देते हैं एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में, कंप्यूटर साइंस जैसी, AI जैसी, मशीन लर्निंग जैसी, डेटा साइंस जैसी ब्रांचेस के अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको IIT में डाल दे दिया, 10,000 देखिए IIT में करा दो, NIT में करा दो, ये पॉसिबल नहीं है। आपके मार्क्स के बेसिस पे जो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है हम वो आपको अलॉट कराते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि अलॉटमेंट नहीं भी होता है, देन उस कंडीशन में आपको दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा, चौथा भी कराते हैं। अगर आपको कोई भी पसंद नहीं आ रहा भैया मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, देन
आपका पैसा भी रिफंड कर देते हैं, लेकिन यार एट द एंड आपको एक बहुत अच्छा सिक्योर्ड सीट मिल जाता है। ओके दैट्स दैट पॉइंट। उसके बाद तो अगर ज्यादा जानकारी चाहिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि क्लासेस ऑलमोस्ट जगह स्टार्ट हो चुकी है। वेल यार कुछ और स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में जानेंगे। उसके बाद में आपने जीके भी हरिद्वार के बारे में सुना होगा, गांधी खान गांधी खान कॉलेज जो आपने सुना होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में नॉर्थ के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ मणिपुर यूनिवर्सिटी हो गया, तेजपुर हो गया, उड़ीसा हो गया, इधर आपने ये तो देख लिया होगा। तो उसके बाद में आपका मध्य प्रदेश में जैसा कि अगर हम देखें हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हो गया आपका वहाँ, और उसके बाद में डीएवी इंदौर हो गया, विक्रम यूनिवर्सिटी हो गया। यार स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज काफी सारे, हरियाणा के अंदर भी आपको काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेंगे, पंजाब के अंदर भी है, राजस्थान में भी है, यूपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, जबलपुर में भी है, उत्तराखंड में भी है, सब जगह आपको बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बस आपको करना है तो थोड़ी सी मेहनत, या तो खुद रोड पे चलो या फिर दूसरों को बोलो वो आपके लिए रोड पे चल सकते हैं, लेगेगा तो सिर्फ बहुत पैसा। और भी कोई सवाल हो सुझाव हो आप हमें हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, हमसे जो भी होता है हम आपकी बेस्ट से बेस्ट हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हमको कॉल करने के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ना ही वन सपोर्ट कॉल लेने की जरूरत है, ना ही फुल सपोर्ट। आपको अगर अच्छा लगता है देन आप हमारी पेड काउंसलिंग में बाद पे इनरोल कर सकते हो।